धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं प्राणाधारात्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल के प्रवचन में हमने सुना कि मूर्ति पूजा इससे क्या क्या हानियां हैं, वास्तव में परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा के लक्षण कौन से हैं, और उन लक्षणों से जब हम जड़ मूर्ति की तुलना करके देखते हैं तो क्या वो लक्षण चेतन परमात्मा के लक्षण उन जड़ मूर्तियों में घटित होते हैं कि नहीं। इसके बाद हमने सुना कि मूर्ति पूजा से जो हम हानियां सुन रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम व्यवहारिक रूप में कैसे हर वर्ष और वर्ष में कई बार देखते हैं। मैंने उदाहरण दिया कि किस तरह से गणेश चतुर्थी में गणेश पूजा के नाम पर उनकी मूर्तियां बनाई जाती है और किस तरह से गंदे नालियों में उनको डुबाया जाता है विसर्जन के नाम पर। इसी तरह से नवरात्रि में, इसी तरह से सरस्वती पूजा में अलग अलग काल्पनिक देवी और देवता के नाम पर मूर्तियां बना करके किस तरह से उनको विसर्जन किया जाता है। अब उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम उपनिषदों के कुछ वाक्यों को पहले सुनते हैं, जिसमें परमात्मा के विषय में स्पष्ट रूप में कहा है कि वह वास्तव में है कैसा और हमने उसका स्वरूप कैसा बनाया है। उपनिषद का कथन है, यद वाचा अनु अभ्यदितम येन वाग उभ्यद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि इदम उपासते यन मनसा न मनुते यत सो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि इदम उपासते श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदि इदं उपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदि इदं उपासते। इसका अर्थ क्या है? उपनिषद कह रहे हैं कि जो वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं होता, जिससे वाणी का प्रकाश होता है उसी को तू ब्रह्म जान। जैसे हमने कल भी केन उपनिषद का वाक्य सुना था कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक गच्छति, अर्थात वहां तक वाणी नहीं पहुंच सकती है। फिर आगे कहते हैं, जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता, जिससे मन मनन करता है उसी को तो ब्रह्म जान। फिर कहते हैं, जो कान से नहीं सुना जाता, जिससे कान सुनता है उसको तो ब्रह्म जान। जो आंखों से नहीं देखा जाता, जिससे आंख देखती है उसको तो ब्रह्म जान। और जो प्राण से प्राण के व्यापार में नहीं आता, जिससे प्राण अपना व्यापार करता है उसी को तू ब्रह्म जान। इसका तात्पर्य क्या है कि जिन पत्थरों की हम मूर्तियां बनाते हैं, पहली बात तो उसमें प्राण नहीं होता, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, जिसके बारे में तो हम कल ही सुन चुके हैं। अब कह रहे हैं, जो आंख से देखा जाता है वह ब्रह्म नहीं है और मूर्ति आपके सामने प्रत्यक्ष है। जो भी इन इंद्रियों के द्वारा हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं वह ब्रह्म नहीं है, ये उपनिषदों के वाक्य, उपनिषदों के ये जो श्लोक हैं हमें स्पष्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने कल भी सुना था कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। उसका कोई भी इंद्रियों के द्वारा उपदेश नहीं हो सकता है। तो अगर इतने स्पष्ट शब्दों में बताए गए उपनिषद वाक्यों से भी अगर हमें समझ में नहीं आता है, तो फिर भी उपनिषदकार अलग अलग तरीके से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, दिव्यो हि अमूर्तः पुरुषः, जिसके बारे में हमने कल भी सुना, मुंडक उपनिषद का वाक्य है कि वह पर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य है और अमूर्त है। वह ब्रह्म आँख से ग्रहण नहीं किया जा सकता, मुंडक उपनिषद का ही कथन है, न चक्षुषा गृहते न अपि वाचा न अन्य देवैः तपसा कर्मणावा। न वह ब्रह्म आँख से ग्रहण किया जा सकता है, उसे न वाणी से न अन्य इंद्रियों से बताया जा सकता है और न किसी अन्य कर्म से ग्रहण किया जा सकता है, बल्कि ज्ञान की महिमा से, अर्थात ज्ञान को ग्रहण करके उसकी महिमा को समझ करके शुद्ध अंतस्करण वाला हो करके जो ध्यान करता है। कह रहे, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, अर्थात जो ध्यायमान होता है, अर्थात जो ध्यान करता है वह
शुद्ध अंतस्करण वाला होकर के उस परब्रह्म का दर्शन कर सकता है, उसका साक्षात्कार कर सकता है, न कि किसी जड़ मूर्ति की उपासना करने से। इसी तरह से श्वेताश्वतर उपनिषद का कथन है, कहते हैं न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उसका कोई कार्य नहीं है और उसके इंद्रिय आदि करण नहीं है, न कोई उसके समान है और न उससे कोई अधिक है, उसकी शक्ति सबसे महान है, उसमें ज्ञान बल तथा कार्य करने की शक्ति स्वभाव से ही है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान भी है, बल भी है और कार्य करने की शक्ति भी है, और जिस मूर्ति की हम उपासना करते हैं, जिस मूर्ति के आगे हम भोग लगाते हैं, जिसके आगे हम मत्था टेकते हैं, क्या उसमें ज्ञान है, क्या उसमें किसी भी प्रकार के कार्य करने की क्षमता है, या क्या उसमें किसी प्रकार का बल है। जहाँ तक हम बल की बात करते हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण आएंगे आगे भी आने वाले प्रवचनों में, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ था, सोमनाथ का मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ के पुजारी क्या करते रहे, ये कहते रहे कि महादेव जी अपने पुत्र को भेज देंगे, कार्तिकेय को, या फिर अपने गण में से किसी को भेज देंगे और ये हमारी रक्षा करेंगे। जबकि सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, उसमें जो मूर्ति थी उसको तोड़ी गई, वहाँ का जो खजाना जब तोड़ा गया तो उसमें 40 ऐसे बहुत बड़े बड़े कक्ष थे, भंडार थे, जिसमें सोना चांदी हीरा मोती इत्यादि जवाहरात रखे हुए थे, कई मन सोने की वहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई थी, जिसको कि वहाँ जो लुटेरे आए थे अरबी वो लूट करके ले गए। अगर उस मूर्ति में बल होता तो वो पहली बात तो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकी, आपकी रक्षा क्या करेगी। इसीलिए उनमें कोई भी लक्षण घटित नहीं हो रहा है, उनमें न ज्ञान है, न बल है, न कार्य करने की शक्ति है। जबकि जो चेतन परमात्मा है उसमें ज्ञान भी है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है, हम प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली होने से उसे वायु कहा जाता है, बलशाली होने से। लेकिन किसी भी जड़ मूर्ति में ये गुण हमें नहीं दिखता है। इसी तरह से अब आगे जो विषय है वो ये है, क्योंकि मैंने 3 प्रश्न किए थे। सबसे पहला कि मूर्ति पूजा से हानियां क्या है, क्या क्या हानियां हुई है अब तक, फिर मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई, और शुरुआत में भी 2 हिस्से बढ़ते हैं, एक तो वेदों के मंत्रों का जो गलत अर्थ किया गया, और दूसरा जिन ग्रंथों के माध्यम से अलग अलग व्यक्ति को, मनुष्य को परमात्मा का रूप दिया गया या फिर ईश्वर का अवतार घोषित किया गया, ये एक कारण है। तो एक अवतारवाद और दूसरा बहुदेववाद की उपासना, ये दोनों मूर्ति पूजा में कारण सिद्ध होते हैं। अब जब अवतारवाद की जब हम बात करते हैं तो एक उक्ति है, गीता का एक श्लोक है जो प्रसिद्ध है, जिसमें कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब ये जो श्लोक है, इसी प्रकार का एक श्लोक भागवत ग्रंथ में भी मिलता है, भागवत ग्रंथ के स्कंध 9 अध्याय 24 में श्लोक संख्या 56, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमान तदा तु भगवानिश आत्मानम सृजते हरि। दोनों का भाव एक ही है कि जब जब धर्म का क्षय होने लगता है और पाप बढ़ता है, तब तब भक्तों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा अवतार लेता है। लेकिन जो देवी भागवत है, देवी भागवत में इसकी आलोचना की गई है। पुराण का ही एक तरफ कथन है कि परमात्मा अवतार लेता है और उसी का खंडन कर रही है देवी भागवत के ये श्लोक, कह रहे माया विमोहिता मंदा प्रवदंती मनीषिणा करोति स्वच्छया विष्णु अवतार अनेकसः।
मन्दोऽपि दुःखगहने गर्भवासे अतिसङ्कटे न करोति मतिं विद्वान् कथं कुर्यात् स चक्रभृत्। कौसल्या देवकी गर्भे विष्ठामलसमाकुले स्वेच्छया प्रवदन्त्यस्तद् आगतो हि मधुसूदनः। वैकुण्ठसदनं त्यक्त्वा गर्भवासे सुखं नु किं चिन्ताकोटिसमुत्थाने दुःखदे विषसंमिते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पहले अच्छी तरह से समझते हैं। कहते हैं, माया से मोहित हुए जो विद्वान है, श्लोक का अर्थ है, देवी भागवत के श्लोक का, मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, देवी भागवत के श्लोक का अर्थ मैं बता रहा हूँ कि माया से मोहित हुए लोग ये कहते हैं कि विष्णु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। कह रहे हैं, मूर्ख जो मनुष्य होता है वह भी दुख से परिपूर्ण होने के कारण मूर्ख मनुष्य भी जो कष्टयुक्त गर्भवास है उसकी इच्छा नहीं करता। तो ऐसी अवस्था में जो चक्रधारी विष्णु हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि मलमूत्र से भरे हुए कौसल्या और देवी के गर्भ में विष्णु जी स्वेच्छा से चले गए। भला वैकुंठ में जो इतना अधिक सुख है, ऐसे सुख को छोड़ करके करोड़ों प्रकार की चिंताओं को पैदा करने वाले जो कष्टदायक गर्भवास में, ऐसा कौन सा सुख है जिसको ग्रहण करने के लिए कौसल्या और देवकी के गर्भ में विष्णु जी आते हैं? ये देवी भागवत का कथन है। इसका तात्पर्य क्या है कि विष्णु भगवान इस तरह से अवतार नहीं लेते। पहली बात, अवतारवाद की जो विवेचना है वो बिल्कुल ही हमें इस तरीके से बता दिया जाता है कि विष्णु जी परमात्मा है और परमात्मा ही राम के रूप में, कृष्ण के रूप में या फिर परशुराम के रूप में या अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। पहली बात ये कि अगर इस तरह से ईश्वर अवतार लेता है भक्तों की रक्षा के लिए, तो भक्तों की रक्षा की आवश्यकता द्वापर युग में अधिक थी, त्रेता युग में अधिक थी, सत्ययुग में अधिक थी या फिर कलयुग में अधिक दिख रही है? आज कलयुग में ऐसी अवस्था है, किसी कवि का कथन है, वो कहते हैं आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज जब ऐसी स्थिति है तो परमात्मा अवतार क्यों नहीं ले रहा है? इसका मतलब क्या है? परमात्मा वो अविद्या से रहित है, अहंकार से रहित है, राग द्वेष से रहित है। योग दर्शन का कथन है, क्लेश कर्म विपाक सयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष इत्यादि जो पांच क्लेश हैं उनसे उत्पन्न होने वाला कर्म, क्या कह रहे हैं इस लाइन को, इस पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा, उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म और उस कर्म के फल से वह परमात्मा हमेशा रहित है। अब मैं आपको पुराणों का ही कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वह परमात्मा के स्वरूप नहीं है जिनकी मूर्ति बना करके हम पूजते हैं। परशुराम जी के विषय में कहा जाता है, मैं दो तीन उदाहरण दूंगा, दो तीन उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा और विद्वानों के लिए बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, कहते हैं समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। परशुराम जी के विषय में कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और ऐसा कहा जाता है, एक कथा बताई जाती है कि जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा था तो वहाँ पर परशुराम पहुँचे थे और परशुराम ने राम को ललकारा था। दोनों विष्णु के अवतार हैं ऐसा बताया जाता है कि राम भी विष्णु के अवतार हैं और परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या विष्णु भगवान के अवतार परशुराम राम को नहीं पहचान सकते? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि परशुराम को अभी भी ऐसा कहा जाता है कि परशुराम चिरंजीवी हैं, जो राम के समय में थे तो आज भी ऐसा कहा जाता है कि वो कलयुग में भी चिरंजीवी हैं, उसके बाद शायद द्वापर युग में भी होंगे, द्वापर युग में भी थे, तभी तो महाभारत में ये बताया जाता है कि परशुराम से कर्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। अब ऐसी अवस्था में एक तरफ आप कृष्ण जी को भी अवतार मान रहे हैं, कृष्ण जी को विष्णु भगवान का पूर्ण अवतार माना जाता है, पूर्ण अवतार का मतलब 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला से संपूर्ण अवतार की अवस्था में क्या उस समय परशुराम जी के अंदर वो शक्ति थी विष्णु भगवान की? पहली बात। दूसरे कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ये तो मैंने तर्क दिया, कुछ तथ्य मैंने प्रस्तुत किए, कुछ प्रश्न मैं प्रस्तुत करता हूँ। श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी, सबको पता है, पहली बात परमात्मा जन्म नहीं लेता और परमात्मा की मृत्यु नहीं होती है। कृष्ण जी का जन्म भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हुई, और किसी से पूछते हैं कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी तो बताते हैं कि किसी बहेलिए ने तीर मारा था,
जब वो यादव का संहार करने के बाद में किसी एक वन में लेटे हुए थे पैरों के ऊपर पैर चढ़ा करके, तो किसी बहेलिए ने, किसी व्याध ने, किसी शिकारी ने उनके पैरों को हिरण के कान हिलता हुआ समझ करके उसने तीर चलाई। तीर जगह पर जा करके लगा भी, पास में जा करके देखता है तो मनुष्य हैं, कृष्ण जी हैं, और वो रोने लग गया, दुख व्यक्त करने लग गया। तो कृष्ण जी ने क्या कहा, ये कहानियाँ हर जगह पर प्रचलित है, वो कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने पूर्व जन्म में जब तुम बाली की योनि में थे तो मैंने तुम्हें मारा था, अपने तीर से प्रहार किया था छिप करके, और उसका फल जो है उसका फल भुगतने के लिए आज तुम्हारा जो जीव है, बाली का जो जीव है, आज तुम्हारे रूप में है, बहेली के रूप में, और उसने उस कर्म के फल से मुझे मुक्त किया है। इसका मतलब क्या है, जिसको कर्म का फल लग रहा है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो क्या कह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाक सही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन पांचों क्लेश और उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म और उन कर्मों से होने वाले कर्म फल से रहित होता है। इसका मतलब क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो भी कर्म से रहित नहीं थे, और श्री कृष्ण जी उनको भी कर्म फल से छुटकारा नहीं मिला। और ये तो कुछ उदाहरण है, अब मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मूर्ति पूजा का जो कारण है एक है अवतारवाद, और कहीं पर भी कृष्ण जी ने पूरी गीता में किसी भी जगह पर स्वयं को परमात्मा का स्वरूप नहीं कहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा परमात्मा तो अजर है, अमर है, सभी लोग कहते हैं, अगर कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात, अगर हम उसकी उपासना तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अनाय। आपसे अगर पूछा जाता है कि परमात्मा अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतस्तनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानं धीरम अजरम इवानम। वह परमात्मा धीर है, अजर है, कभी वृद्ध नहीं होता है, हमेशा एक स्वरूप रहता है, और वह परमात्मा अजन्मा है। फिर गीता में मैंने पहले कहा कि कृष्ण जी को कहीं पर भी परमात्मा नहीं कहा है, न रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कहीं पर राम को परमात्मा कहा है। कृष्ण जी तो स्वयं क्या कहते हैं, गीता का अंतिम श्लोक खोल करके देख लीजिए, अंतिम अध्याय अंतिम श्लोक, जिसमें कहा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुव नितिर्मतिर्मम। जहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण है और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है वहाँ पर विजय निश्चित है, ये निश्चित बुद्धि है, ये दृढ़ कथन है। फिर कृष्ण जी स्वयं कहते हैं गीता के चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन तान्यहम वेत्थ सर्वाणी न त्वम वेत्थ परम तप। कहते हैं अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो गए हैं और मैं उनमें से सभी जन्मों को जानता हूँ, लेकिन हे अर्जुन तू उनको नहीं जानता है। इससे कृष्ण जी को बार बार जन्म और मरण के बंधन में आने वाला जीव सिद्ध कर सकता है। चूँकि वो ज्ञानी हैं इसलिए ज्ञानी होने के कारण ये इस बात को समझते हैं कि जीव प्रवाह रूप से अनादि है और सदा जन्म मरण के बंधन में आने वाला है। या फिर ऐसे भी समझ लीजिए कि वो योगी थे, क्योंकि मैंने पहले ही प्रमाण दिया गीता के अंतिम अध्याय का, उस अंतिम अध्याय के श्लोक से भी ये प्रमाणित होता है कि वो योगी थे और अपने योग बल से अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानते थे, जबकि अर्जुन नहीं जानता था। इसी तरह से गीता के ही 18वें अध्याय में उन्होंने स्वयं कहा, कहते हैं हे अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा। कहते तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, हर प्रकार के भावों से युक्त होकर के तू उस परमात्मा के शरण में चला जा। इसी प्रकार महाभारत खोल करके देख लीजिए, महाभारत का अश्वमेधिक पर्व है, अश्वमेधिक पर्व का 83वां अध्याय है, उसमें जब कृष्ण जी अश्वमेध यज्ञ समाप्त करके वापस लौट रहे होते हैं तो पूछते हैं सभी से कि किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ चाहिए या मांगना है तो बता दीजिए। अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि भगवान आपने जो मुझे गीता का उपदेश दिया था वो उपदेश मुझे दोबारा सुना दीजिए, क्योंकि युद्ध में व्यस्त होने के कारण मैं उन उपदेशों को भूल गया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन तू दुर्बुद्धि है, तेरी बुद्धि खराब है, जिस वजह से तू मेरे उन उपदेशों को भूल गया, क्योंकि वो उपदेश वास्तव में मेरे नहीं थे। किसने कहा था, कहते हैं परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया।
उस परमात्मा ने, मैं जब योग की अवस्था में था तो परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के आदेश से मैंने तुझे वह उपदेश दिया था। अब कह रहे न च सक्यम पुनर्वक्तुम, मैं उस कथन को दोबारा नहीं कह सकता। अगर वह स्वयं परमात्मा के अवतार थे तो फिर उन कथनों को वह दोबारा क्यों नहीं कह पाए। इसी तरह से एक उदाहरण, जब दुर्योधन ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं पांडवों को कोई भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूँ, 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, कृष्ण जी उनको अंतिम बार समझाने के लिए जा रहे थे, तो उस प्रसंग का एक उदाहरण आता है। कहते हैं प्रातरुत्थाय कृष्णस्तु कृतवान सर्वानिकम ब्राह्मणे अभ्य अनुज्ञाता प्रययौ नगरम प्रति। कहते हैं हर प्रकार के संध्या कर्म करके, संध्या कहते हैं ध्यान को, ध्यान करके उसके बाद वैदिक मंत्रों से पाठ करके और फिर उसके बाद ब्राह्मणों को दान दे करके कृष्ण जी आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कृत्वा पौराणिकम कृत्यम स्नातम सुचि अलंकृत उपस्तथे विवस्वंतम पावकम च जनार्दन। लिखा है कि कृष्ण जी और युधिष्ठिर ने संध्या एवं होम करके, यज्ञ एवं हवन करके और ध्यान करके ब्राह्मणों को दान दिया। इससे कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं होता कि श्री कृष्ण जी परमात्मा थे या ईश्वर का अवतार थे, जबकि उनको ईश्वर का अवतार मान करके उनकी मूर्ति बना करके पूजे जाती है। और पूजा अगर करनी ही है, मान लीजिए कृष्ण जी की अगर पूजा करनी है तो कृष्ण जी ने जैसा किया या जैसा बताया उसको करें, या अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करनी है तो राम की बात को मानना, दोनों में सूक्ष्म अंतर है। शब्द सूक्ष्म है लेकिन अंतर बहुत गहरा है। हम क्या करते हैं, हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, लेकिन राम की और कृष्ण की नहीं मानते। अभी तो हमने कृष्ण जी का उदाहरण सुना, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी अगर हम उदाहरण सुनना चाहें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में क्या कहा रामायण हम जब देखते हैं, कहते हैं कि या त्वम विरहिता नीता चल चित्तेन रक्षसा दैव संपादितो दोषो मानुषेण मया जीता। राम सीता से कहते हैं, युद्ध कांड है रामायण का और सर्ग है 115, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता से कहते हैं कि हे सीता, तू चंचल चित्त वाले राक्षस रावण के द्वारा हरी गई थी। ये ऐसा दोष था जो दैवकृत था, दैव विधान था, और जो दोष मुझ पर चढ़ा था और उसको मैंने, अर्थात उस दोष को मेरे जैसे मनुष्य ने जीत लिया। कह रहे दैव संपादितो दोषो मानुषेण मया जीता, मैं मनुष्य हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ और मैं मनुष्य ने वो जो दोष था मेरे ऊपर उस दोष को मैंने जीत लिया। फिर उसी कांड में आगे कहते हैं यत कर्तव्यम मनुष्येण धर्षणा प्रतिमार्जिता तत्कृतम रावणम हत्वा मयेदम मानकाक्षिण। कहते हैं शत्रु के द्वारा किए गए अपमान को मिटाने के लिए मनुष्य को जो कुछ करना चाहिए वह मैंने मान चाहते हुए रावण को मार करके किया। कहीं पर भी किसी अवतार का उदाहरण नहीं है। फिर उसे युद्ध कांड की 125वें सर्ग में कहते हैं एतत्तु दृश्यते तीर्थम सागरस्य महात्मनः सेतु बंध इति ख्यातम त्रैलोक्य परिपूजितम एतत् पवित्रम परमम महापातक नाशनम अत्र पूर्वम महादेवः प्रसादम अकरोद विभु। कहते हैं कि ये जो समुद्र का तट है इसको सेतु बंध कहा जाता है, ये अभी हर जगह प्रसिद्ध हो गया है, सबको पता है रामेश्वर के विषय में। कहते हैं यहाँ पर सभी लोग अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं और इसी जगह पर परमात्मा ने हम पर कृपा की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि इसी जगह पर परमात्मा ने हम पर कृपा की थी। यहाँ पर कहीं किसी भी स्थान पर ये नहीं कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शिवलिंग की स्थापना की या फिर उन्होंने किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा की। मूर्ति के विषय में एक प्रमाण अवश्य आता है वाल्मीकि रामायण के अंदर, वहाँ भी स्पष्ट रूप में मूर्ति का वर्णन नहीं किया है। ऐसा कहा है कि यत्र यत्र स्मयाति स्म रावणो राक्षसवर जाम्बू नद मयम लिंगम तत्र तत्र स्मनीयते। कहते रावण जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ अपने साथ में सोने की बनी हुई लिंग को लेकर के जाता है। इसी तरह से दूसरे जगह पर यह लिखा है, कहते हैं बालुका वेदी मध्य तु तल्लिंगम स्थाप्य रावण, अर्थात बालू की वेदी पर रावण ने लिंग की स्थापना की थी। पहली बात तो ये है कि ये जो श्लोक है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड का है,
और उत्तरकांड जो है वह प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त का मतलब वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है, बाद में किसी ने लिखा है। अगर इस विषय में चर्चा करनी है भविष्य में अगर समय मिला तो इस विषय पर चर्चा करेंगे कि उत्तरकांड किस तरह से प्रक्षिप्त है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये मान भी लिया जाए कि ये प्रक्षिप्त नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, जिसको हम अभ्युपगम न्याय कहते हैं, उसके आधार पर अगर ये भी मान लिया जाए कि ये श्लोक वाल्मीकि रामायण का ही है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, फिर भी ये काम तो रावण जैसे राक्षस ने किया है ना, लिंग की स्थापना करके पूजना, किसी जड़ की उपासना करना, ये तो रावण जैसे राक्षस ने किया है, ये तो राक्षसी कृत है। किसी भी मनुष्य के लिए और किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए यह कार्य शोभनीय नहीं है। अगर रावण के कृत्य को ही, रावण के द्वारा किए गए कर्म को ही उदाहरण मानना है, तो फिर अपने आप को धार्मिक क्यों कहलाते हैं और रावण को राक्षस क्यों कहते हैं? इसी तरह से उस समय के जितने भी लोग थे, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे सीता हो, चाहे फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी हो, जितने भी महापुरुष हुए, सभी लोग साधना किया करते थे, सभी लोग संध्या किया करते थे, ध्यान किया करते थे। जब हनुमान जी सीता की खोज में गए तो अशोक वाटिका में एक सरोवर था, उनको देख करके कहते हैं, संध्या काल मना श्यामा ध्रुवमेश्यति जानकी नदीम चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी यदि जीवती सा देवी ताराधिपति मानना आगमिष्यति सा अवश्य मीमाम सीत जलाम नदीम। कहते हैं कि अगर सीता जीवित है तो संध्या करने के लिए अर्थात ध्यान करने के लिए इस शुद्ध जल वाली नदी पर स्पष्ट आएंगी। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिना किसी टीका के, बिना किसी टिप्पणी के, कि रामायण के काल में चाहे फिर महाभारत के काल में कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं संध्या करते हैं, स्वयं ध्यान करते हैं, उन्होंने कहीं पर किसी भी प्रकार से मूर्ति की पूजा नहीं की, तो फिर हम उनका मानना कह करके हम राम की और श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? महाभारत के विषय में ही जब हम कुछ प्रमाण देखते हैं, मैंने कल उदाहरण दिया था द्रोणाचार्य जी का और एकलव्य का, वो उदाहरण भी ये समझने के लिए काफ़ी था, ये प्रश्न हमारे अंदर जगाने के लिए काफ़ी था, ये कौतूहल पैदा करने के लिए काफ़ी था कि क्या वास्तव में मूर्ति पूजा से एकलव्य को ज्ञान मिला था? मूर्ति पूजा से तो नहीं मिला था, जिसके बारे में मैं कल ही कह चुका हूँ। और दूसरी बात, महाभारत में वर्तमान में लगभग 100,000 श्लोक होंगे, जबकि व्यास जी ने महाभारत की साक्षी से यह सिद्ध होता है, आदि पर्व में ऐसा लिखा है कि चतुर्विंशति सहस्त्री चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानैर नवीनाम तावत भारतम प्रोच्यते बुधै। कहते हैं कि मैंने का मतलब व्यास जी ने कहा कि मैंने 24,000 श्लोक युक्त भारत संहिता की रचना की। इसके विपरीत एक और श्लोक है आदि पर्व में ही, जिसमें एक श्लोक आता है जिसमें कहा अष्टौ श्लोक सहस्त्राणी अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। व्यास जी का ही कथन इसमें भी बता रहे हैं, कहते हैं कि 8,800 श्लोक, 8,000 और 800 श्लोक वाले महाभारत के विषय में मैं जानता हूँ, सुखदेव जानते हैं और संजय का पता नहीं कि वह जानते हैं कि नहीं। तो सोचिए कि एक जगह पर 8,800 श्लोक का है, एक जगह पर 24,000 श्लोक का है, अब उन श्लोकों की रचना कैसे बढ़ गई कि अब 95,000-96,000 के लगभग पहुँचे हैं, लगभग 4 गुना अधिक। तो समय समय पर उन ग्रंथों में परिवर्तन होता रहा, जैसे जैसे लोग वाम मार्ग के आधार पर काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करने लग गए, तो अपने उस कृत्य को सही सिद्ध करने के लिए इतिहास को प्रमाण माना, क्योंकि इतिहास को 5वां वेद कहा है, तो उनको प्रमाण बताने के लिए लोगों ने समय समय पर आकर के उन ग्रंथों में प्रक्षिप्त करना शुरू कर दिया, अर्थात उन ग्रंथों में नए नए श्लोक बना करके अपने हिसाब से अपने सिद्धांत को पुष्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, किसी भी तरह से मूर्ति पूजा की या जड़ पूजा की अनुमति नहीं देते, अपितु महाभारत और रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हमेशा मूर्ति पूजा की खंडन ही करते हैं। अब इसके बाद मूर्ति पूजा का वैदिक काल हमने देखा कि किस तरह से वेदों में और वेदों के व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद में ऐसा लिखा है। उसके बाद में हमने रामायण काल को देखा, फिर महाभारत काल को देखा कि किस तरह से रामायण और महाभारत के आधार पर मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए,
अब कल के प्रसंग में हम सुनेंगे कि मूर्ति पूजा और पौराणिक काल क्या है। पौराणिक काल का मतलब पुराणों में किस तरह से कुछ जगह पर मूर्ति पूजा का समर्थन किया है और कुछ जगह पर मूर्ति पूजा की खंडनी की है, और उसके बाद पौराणिक काल के बाद में किस तरह से इस्लाम मत के आक्रांताओं ने आकर के उन मूर्तियों का खंडन किया, किस तरह से उस समय में ऐसी हानि हुई, किस तरह से समय समय पर मुगल काल में हो चाहे फिर उसके बाद के समय में हो मूर्ति पूजा की वजह से किस तरह से भारत हजार वर्षों तक गुलाम बना रहा, उसके बाद भी किस तरह से राजनीतिक हानि हुई, किस तरह से आर्थिक हानि हुई, उसके विषय को हम कल सुनेंगे। आज के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रणाम।